हेलो फ्रेंड्स, कॉमरेड तपन सेन पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर और सीएचयू के महासचिव आज पार्टी बिहार राज कमेटी के फेसबुक पेज से लाइव हैं। कॉमरेड, मजदूर वर्ग पर हमला, सरकार की नीतियों और मजदूरों के आंदोलन विषय पे अपने बात को रखेंगे। कॉमरेड प्लीज स्टार्ट। कॉमरेड, स्वागत है सीपीआईएम बिहार के जो सभा आयोजन किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सबको स्वागत है। जो मुद्दा हमारे सामने रखा गया था कम्युनिटी संघ, जो देश अभी बहुत संकट के अंदर से गुजर रहा है, और हम जब बोलते हैं देश संकट के अंदर से गुजर रहा है, ये संकट देश के आम जनता के लिए उसको स्वाभाविक रूप से एक मानविक जीवन उसको यापन करना, वही आज सबसे बड़ा चुनौती का सामने आ गया है। और इसका परिप्रेक्ष्य है जो जो आर्थिक व्यवस्था है, शोषण में आधारित आर्थिक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, वो पूंजीवादी व्यवस्था भी भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी पूरा देश कोरोना पैंडेमिक में से जूझ रहा है, लेकिन ये संकट सिर्फ कोरोना से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत पहले से एक किस्म से बोला जा सकता है कई एक दशक काल व्यापी, विशेष करके जो लगातार हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था, दुनिया के आर्थिक व्यवस्था के साथ जो पूंजीवादी दुनिया है, एक धारावाहिक संकट के दौर से गुजर रहा है। जो संकट के दौर से आर्थिक मंदी का दिन पर दिन तीखा हो रहा है, और पूंजीवादी व्यवस्था में ये आर्थिक मंदी देश के आम जनता के जो जिंदगी उसका ऊपर और ज्यादा से ज्यादा दबाव, उसका रोजगार के ऊपर हमला, उसको अधिकार के ऊपर हमला, उसको काम के जो अधिक जो स्थिति है उसका ऊपर हमला, ये लगातार तरह तरह का हमला के जरिए पूंजीवादी दुनिया ये संकट से जूझने का कोशिश कर रहा है। हमला का बोझ आम जनता के ऊपर थोपते हुए वो निकालने की कोशिश करता है संकट का दौर से। और इसी परिस्थिति के अंदर देश के मजदूर वर्ग लगातार इसको खिलाफ एक धारावाहिकता के साथ अपने कैपेसिटी के अनुसार लगातार उस संघर्ष में जुड़ा हुआ है, लगातार एक धारावाहिकता के साथ। और ये धारावाहिकता, मजदूर वर्ग के हस्तक्षेप का जो धारावाहिकता है, कंटिन्यूटी है, ये वातावरण पैदा करने में सफल हुआ है थोड़े बहुत, जो समाज के दूसरा हिस्सा भी धीरे धीरे आज संघर्ष में आ रहा है, उतार रहा है। और मजदूर आंदोलन और समाज के दूसरे हिस्से का आंदोलन के साथ एक जोग सूत्र पैदा हो रहा है, स्थापित हो रहा है, जुड़ रहा है। और इसी दिशा में देश के मजदूर आंदोलन आज आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। हम सीधा सीधा एक मजदूर आंदोलन के सिपाही के रूप में ये बोलना चाहते हैं, जो एक लगातार एक कोशिश के जरिए एक जो आज का दिन में जो महत्वपूर्ण स्थिति पैदा हुआ, वो स्थिति ऐसा है जो मजदूर आंदोलन पिछले 3 दशकों से नया उदारवादी हमला, पूंजीवादी जो हमला, जिसका हम पहले बोलते थे जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, देश के संपदा को उठा के बेचना निजीकरण के जरिए, ये है ये सामूहिक जो नया उदारवादी जो प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु में है। और उसके साथ साथ ये व्यवस्था को चलाए रखने के लिए जो इसको विरोध कर रहा है उसके अधिकार पर लगातार हमला, स्थायी मजदूर, अस्थायी मजदूर में आ जाता है, ठेका मजदूर में आ जाता है, कैजुअल मजदूर में आ जाता है। और मजदूरों को काम में बने रहने का अधिकार, सही मजदूरी का अधिकार के ऊपर भी हमला साथ 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 चल रहा है। कोई श्रम कानून जो भी था वो ढंग से लागू नहीं हो रहा है।
इसी के प्रक्रिया के खिलाफ, ये जो सामूहिक न्याय उदारवादी प्रक्रिया, इसके खिलाफ मजदूर आंदोलन पिछले 3 दशक व्यापी लड़ते लड़ते आज का परिस्थिति ये है जो सिर्फ मजदूर मैदान में नहीं है, जनता के समाज के दूसरा हिस्सा भी अभी मैदान में उतर रहा है और मजदूर आंदोलन के साथ उसको एक संयोग स्थापित हो रहा है। मजदूर आंदोलन आज का परिस्थिति में, हमारे आज का परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, उससे हम शुरू कर रहा है। जो मजदूर आंदोलन को जो जिम्मेदारी है, जो आम मजदूर संगठन को एक करना मैदान, संघर्ष के मैदान में, साथ साथ मजदूर आंदोलन के साथ आम जनता के जो जन आंदोलन है उसको साथ एक संयोग स्थापित करते हुए सामूहिक मजदूर वर्ग का आंदोलन को जन आंदोलन में वो ले जाना, सामूहिक रूप में जो देश के जो समीकरण है, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण, उसका अंदर बदलाव लाने का दिशा में। और मजदूर जनता के ऊपर जो हमला हो रहा है आर्थिक स्थिति में, यह हमला कोई अर्थनीतिक नीति से निकालते हैं, लेकिन ये राजनीतिक सिद्धांत पर आता है। और ये राजनीतिक सिद्धांत लेता है पूंजीवादी वर्ग अपने शोषण को, दुनिया को बनाए रखने के लिए, यही समझदारी के आधार पर मजदूर आंदोलन धारावाहिकता साथ हस्तक्षेप कर रहा है। आज का जो स्थिति का दौर है, जो लगातार पिछले 1 दशक से ज्यादा लगातार मंदी के ओर जा रहा है, इसके मुख्य कारण यह है जो ये संकट से निकालने के लिए जब पूंजीवादी वर्ग आम जनता के ऊपर संकट के बोझ डालते हुए संकट से निकालने चाहते हैं, आम समाज में संपदा पैदा करने वाले जो जनगोष्ठी है, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, संख्या गरिष्ठ पपल माने जनता पूरे समाज के अंदर, उसके जिंदा रहने का जो कैपेसिटी, मतलब खरीदने का जो कैपेसिटी, उसके ऊपर लगातार हमला हो रहा है, उसका कंजम्पशन लगातार वो मजदूर जैसा है, संपद पैदा करने वाले मजदूर जैसा है, खेती में फसल फलाने वाले किसान जैसा है, वो उपभोक्ता भी है। और अगर उपभोक्ताओं को खरीदने का कैपेसिटी लगातार नीचे जाएगा, जो बाजार के ऊपर पूंजीवाद जिंदा रहता है, वो कभी संकट से नहीं निकल सकता है। और इसी दिशा में मजदूर आंदोलन भी, जो वर्ग सचेतन मजदूर आंदोलन अपने मांग पत्र ये समझदारी के आधार पर बनाता है, और उसका जो विकल्प रास्ता है आर्थिक नीति, उसी आधार उसका विकल्प का समझदारी के आधार पर अपने मांग लेके वो जन मजदूरों को संघर्ष में जोड़ने का कोशिश कर रहा है, करता है। और इसी प्रक्रिया में आज मजदूर आंदोलन एक जन आंदोलन के चेहरा ले रहा है। और जिस दिशा में आज का दिन हमारे आगे जो कार्यक्रम है, एक साथ मजदूर और किसान मिलके संघर्ष में जाने का तैयारी कर रहा है, और साथ साथ मजदूर और किसान मिलके जो संघर्ष, उसी संघर्ष के साथ मजदूर आंदोलन में जो अलग 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 ट्रेड यूनियन है, वो भी एक मंच में आके वही लड़ाई के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है अपने संघर्ष के दिन तय करते हुए, एक ही दिन में एक व्यापक लड़ाई, ये जो एक नए प्रक्रिया शुरू हुआ देश के जनता का आंदोलन में, उसी दिशा में जाने का कोशिश करता है। और उसी दिशा में आज का डेट में देश के मजदूर आंदोलन संगठित रूप से, आपको मिसाल के रूप में हम बोल सकता है, संगठित रूप में जो निर्णय लिया, जो अगला 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो दिवस है हमारे आजादी का आंदोलन का, उसी दिन देश बचाओ दिवस, इसी स्लोगन के आधार पर देश के सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन एक साथ देश भर सत्याग्रहों और जेल भरो और तरह तरह का जुझारू आंदोलन का निर्णय लिया है 9 अगस्त को। और इसी के साथ साथ कोई एक ही दिन में CI2 का पहलकदमी में, CI2 किसान सभा और खेतीहर मजदूर को ये जो संगठन है हमारे, इसका पहलकदमी में हम लोग निर्णय लिया, जो वही एक ही दिन 9 अगस्त के दिन वो देश भर आम मजदूर और किसानों को मांग पर
और ये राष्ट्र विरोधी जनता विरोधी आर्थिक जो नीतियां है मोदी सरकार के, जो लॉकडाउन का समय को इस्तेमाल करते हुए जो लगातार देश के जनता के ऊपर और देश के संपदा के ऊपर हमला चला रहा है, इसके खिलाफ वही 9 अगस्त मजदूर और किसान का एकजुटता में पूरे देश भर जेल भरो सत्याग्रह अब ऐसा जुझारू आंदोलन होने जा रहा है। एक तरीके से एक तरफ से मजदूर किसान के संयुक्त आंदोलन पर संघर्ष और आम केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त जो मंच है उसका संघर्ष एक ही दिन में समाप्ति हो रहा है, जो मांग लेकर जो देश को जनता को बचाओ और देश को बचाओ, ये दोनों जो प्रधान मुद्दा है इसको सामने रखते हुए कहे सचमुच आज का परिस्थिति जो आ गया है उसी में एक ही साथ हमारे देश के आर्थिक जो स्थिति है, देश का जो आर्थिक माने देश का अर्थनीति का जो आर्थिक ताकत पिछले 70 साल में बना हुआ है उसको टुकड़ा टुकड़ा करके साम्राज्यवादी पूंजी के पक्ष में ये मोदी सरकार लुटाने का कोशिश में एक पर एक को कदम उठा रहा है और साथ साथ जनता को भयंकर जो गरीबी के अंदर भूखमरी के जो कतार पर वो धकेलने के लिए वो एक पर एक कदम उठा रहा है। दोनों तरीका से इसका जो अगर सामूहिक नीति मोदी सरकार को दिखा जाए तो ये दो पहलू को लेकर चल रहा है। एक पहलू है देश का जो संपदा है, देश का जो उत्पादनी ताकत है उसको खत्म करना, ध्वंस करना, वो भी आत्मनिर्भरता का नौटंकी करते हुए स्लोगन देते हुए, लेकिन एक एक कदम अगर देखा जाए, हम उसमें डिटेल में आएंगे, जो एक एक कदम अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के सामूहिक उत्पादनी ताकत को खत्म करने के ओर एक एक कदम उठाया जा रहा है और साथ साथ इसको खिलाफ लड़ने वाले जो मजदूर आंदोलन जो मुख्य भूमिका अदा कर रहा है और अभी मजदूर किसान एकजुटता वो आंदोलन को और ज्यादा जुझारूपन में सारे समाज के सामने उपस्थित कर रहा है, उपस्थापित कर रहा है। इसी परिस्थिति में उसका अधिकार के ऊपर भी जबरदस्त हमला, एक शैराचारी हमला, और इसी प्रक्रिया में हमारे देश के सामूहिक प्रशासन को, क्या आर्थिक प्रशासन, क्या राजनीतिक प्रशासन, क्या सामाजिक प्रशासन, इसको एक केंद्रीकरण और शरीराचारीकरण के ओर ले जा रहा है, एक दिशा लेकर जिसमें लोकतंत्र के लिए भी, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी एक भयंकर खतरा उपस्थित हो गया है। तो आज अगर हम इसके खिलाफ लड़ रहा है, हमारे लड़ने में ये लड़ाई को संगठित करने वाले जो अगुआ चेतना का आम जनता है, इसको समझना है हम किसको खिलाफ लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है और जो हमला हमारे ऊपर हो रहा है उसका असली चेहरा क्या है, उसका एक आर्थिक मंजिल है और साथ साथ उसका एक राजनीतिक मंजिल है। आर्थिक मंजिल है दुनिया के जो पूंजीवादी ताकत जो संकट में गिरा हुआ है, आर्थिक मंदी के चलते दुनिया भर हमारे देश के पूंजीपति वो भी वो संकट के बाहर नहीं है, उसका मुनाफा को रक्षा करना, उसका संपदा को बनाते रहना, बरकरार के रखना और उसी के लिए आम जनता को भूखमरी और भूखमरी के ओर धकेलना एक दिशा है उसका सामूहिक अर्थनीतिक नीति को, और साथ साथ हमारे देश का जो पिछले आजादी का 70 वर्ष में हम जो आर्थिक और औद्योगिक ताकत हासिल किया, हम अपने खेती में जो उत्पादनी ताकत हासिल किया उसको खत्म करने के ओर पूंजीपतियों का पक्ष में वो एक पर एक कदम उठा रहा है। तो ये दोनों के खिलाफ आज के जो संघर्ष है वो केवल जनता के अधिकार और उसका जिंदा रहने का न्यूनतम जो ताकत उसको बचाने का संघर्ष नहीं है, एक ही साथ ये देश को बचाने का भी संघर्ष है। और इसीलिए
मजदूर किसानों का मांग का लिए जो संघर्ष और साथ साथ देश को बचाने का जो संघर्ष, ये दोनों स्लोगन आज एक ही दिन एक ही मंच में एक ही धारा में प्रवाहित हो रहा है, जिसका लक्ष्य है, हमला करने का टारगेट है, जो आज सरकार में बैठे हुए जो राजनीतिक ताकत सरकार चला रहा है उसका ये भयंकर देश विरोधी राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी नीति के खिलाफ। यही है हमारे सामने आज का अद्यतन जो हमारे संघर्ष के एजेंडा, और ये लेके हम चलने का कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम अब देखिए जो क्या स्थिति में आ रहा है और सरकार क्या बोल रहा है, जो संकटा चल रहा है जो कोरोना के पहले से ही चल रहा था, और कोरोना का पहले का स्थिति अगर हम देखें क्या स्थिति था, मोदी सरकार के पहला 5 साल और उसके बाद जो द्वितीय चरण में वो सरकार में आया, ये इंटर पीरियड अगर हिसाब में रखा जाए, हमारे देश में रोजगार जो पैदा होने का स्थिति था, एम्प्लॉयमेंट वो लगातार घट रहा था, एक भी साल बड़ा नहीं। सरकार बोलते गया सबको साथ सबका विकास, अरे दुर्भाग्य का बात यह है जो 5 साल तक 14 से 19 तक सबका साथ सबका विकास बोलते गया, और ये 5 साल के एक एक साल के हिसाब अगर लिया जाए देश के रोजगार सृष्टि करने का, बोला था साल में 2 करोड़ नए रोजगार हर साल ये मोदी सरकार पैदा करेगा, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन देखा जाए जो हर साल 14 से 19 तक लगातार हमारे देश के रोजगार का बढ़ोतरी का जो दर लगातार घटते घटते एक समय नए रोजगार पैदा होना बंद हो गया, ये पहला चरण में ही हो गया। लेकिन दुखद बात यह है इवन उसके बावजूद भी देश के जनता मोदी को ही वापस लाए, हमारे लोगों को इसके साथ जोड़ते हुए आम जनता का असली दुश्मन क्या है ये पहचान करवाने में हमको जो लगातार कोशिश वो उतना काम नहीं कर पाया, इसीलिए वो दोबारा वापस आ गया ताकत में खमता में पावर में। लेकिन उसके बाद भी उसको और ज्यादा डेस्परेट हो गया और जाहिर तर से वो हमला शुरू कर दिया, जो अगर ये करते हुए हम दोबारा आ सकता है तो यही रास्ते में हम अपने जय को बनाए रख सकता है। और व्यापक बेपरवाह हो गया अगर देखा जाए 19 के आने का बाद, 19 के पहले जो कवरेज रखता था कैमोफ्लेज रखता था कुछ तर्क को देते हुए अपने काम को जस्टिफाई करने का कोशिश करता था, वो तर्क वो कैमोफ्लेज भी नहीं रखा, खुले आम नंगा होके आम जनता के अधिकार के ऊपर हमला करने में उतर गया। हमने क्या देखा 2014 से 19 तक मजदूरों को आंदोलन के जो अधिकार, उसका ट्रेड यूनियन अधिकार, सारे श्रम कानून में जो लिखा हुआ है, भले वो श्रम कानून पूरा लागू नहीं होता है लेकिन श्रम कानून को हथियार बना के जहां मजदूर आंदोलन जुझारू संघर्ष करता है उसको इस्तेमाल भी करते हुए अपने अधिकार भी छीनता है, ये हमारे मजदूर आंदोलन के इतिहास हर चरण में बताते रहते हैं। अब ये सारे श्रम कानून के आधार ही खत्म कर दो। 14 से 19 तक वो ये बात करते गया, 19 के बाद आके ये सीधा सीधा ये सारे श्रम कानून को ऊपर से नीचे तक मजदूरों को अधिकार जो है श्रम कानून में सबको निकालते हुए 44 श्रम कानूनों को 4 कोड बनाने का निर्णय लिया, और ये कोड का जो कानून है वो पार्लियामेंट का पटल में रख चुका है, और एक कोड पारित भी हो गया ओएच कोड भी। दूसरा चरण में अगर मजदूर आंदोलन के अधिकार को देखा जाए, दूसरे चरण में जब कोरोना का शुरुआत हो गया तब और वो कोर्ट के लिए भी जो पार्लियामेंट में पारित करो उसको बाद देखो उसको लिए और इंतजार करने का लिए वो तैयार नहीं है, वो ये लॉकडाउन का समय लेते हुए वो अभी कोर्ट जब आएगा पार्लियामेंट में तब देखा जाएगा, लेकिन अभी सारे श्रम कानून को
देश के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में वो एक तरफा एक कानून को अगर बदलना होता है उसको कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है, संसदीय प्रक्रिया में, लेकिन उसका परवाह नहीं है, वो एक तरफा सरकारी ऑर्डर देते हुए सारे श्रम कानून को वो बदल रहा है और कुछ राज्यों में तो टोटल सारे श्रम कानून को ठप कर दिया है, जैसा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, 3838 श्रम कानून वो सस्पेंड कर दिया है, जो ये श्रम कानून अभी लागू नहीं होगा, ऑर्डिनेंस करते हुए कर दिया, और दूसरे राज्यों में भी वो अलग अलग से कर रहा है, एक एक मुद्दा लेके, दो दिन पहले फिर गुजरात में और मध्य प्रदेश में और एक ऑर्डिनेंस लाया जो संस्था में 300 तक लोग काम करते हैं वो संस्था में छटनी करने के लिए, क्लोजर करने के लिए सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं है, मालिक चाहे तो कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं जब चाहे भर्ती करो जब चाहे छटनी करो का अधिकार मालिकों को हाथ में सौंप दिया, सरकार के कोई भूमिका नहीं रहेगा इसमें टूटने वाला, ये जो बात है वो फिर एक ऑर्डर जारी किया। ऐसा ही तरह तरह बदलाव, कुछ जगह में ऑर्डिनेंस करके सारे श्रम कानून सस्पेंड कर दिया, बाकी जगह में कम से कम 13-14 राज्यों में ऐसा किया जो 8 घंटा को 12 घंटा किया, 100 का एम्प्लॉयमेंट को 300 में करते हुए वो जब चाहे भर्ती जब चाहे छटनी ये अधिकार मालिकों को दे दिया। और 100 से 300 करने का मतलब ये होता है हमारे देश के 75% औद्योगिक जो संस्थाएं है उसी को जब चाहे भर्ती जब चाहे छटनी करो का दायरे में ले आना, ये बदलाव के प्रक्रिया ये है, मतलब पूरा अधिकार मालिकों को दिया जाए। और इसी परिस्थिति में वो ये सारे बदलाव ला रहा है, जब अभी तक बहुत सारे जगह में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी हुआ है, सारे फैक्ट्री खुला नहीं है, कुछ कुछ फैक्ट्री खुलना शुरू कर दिया है, और जहां भी फैक्ट्री खुल रहा है उधर 100 बंदा काम करता था तो 50 बंदा से कहा 30 वर्कर से कहा 20 वर्कर से वो काम शुरू कर रहा है, बाकी वर्कर को बाहर रख रहा है। यही प्रक्रिया को कानूनी जमा कराने के लिए अभी तुरंत सरकार पूंजीपतियों को स्वार्थ देखते हुए वो ये बदलाव श्रम कानून में ला रहा है। हम CITUA की बात बताया है जो ये सारे कानून में जो बदलाव और सारे कानून को जो ठप करने वाले प्रक्रिया ऑर्डिनेंस के जरिए, एक ही सवाल बोला जो आम मजदूर आंदोलन के ऊपर, आम मजदूरों के ऊपर, जो देश के लिए संपदा पैदा करता है, GDP पैदा करता है, जो आम जनता उत्पादन करते हुए देश के लिए संपदा पैदा करता है, और साथ साथ वही आम जनता सरकारी खजाना में टैक्स भी भरता है। पूंजीपतियों ने तो टैक्स चोरी करता है लेकिन ये लोग सरकारी खजाना में टैक्स भी भरता है, बोथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उपभोक्ता के रूप में यही खजाना में पैसा भरता है, उसी के ऊपर एक टोटल हमला शुरू कर दिया, उसी दिशा में एक एक बिंदु और रख रहा है। उसके बाद हम लोग जो देखा जो ये जो स्थिति है ये लॉकडाउन के जरिए कोरोना के संक्रमित होने का बाद कितना भयंकर चेहरा लिया वो हम देखा, प्रवासी मजदूरों को जिस ढंग से लॉकडाउन के चलते एकदम भूखमरी के मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा एक परिस्थिति पैदा कर दिया जो सारे देश में सबको नजर में आया, कोई छुपा नहीं, मीडिया ब्लैकआउट करने का कोशिश करते हुए भी कर नहीं पाया, इतना भयंकर स्थिति वो पैदा कर दिया। खास करके प्रवासी मजदूरों ने इसी को देखते हुए बेपरवाह होके अपना जान बचाने के लिए वो चलना शुरू कर दिया हाईवे पकड़ के, जो अगर मरना है तो अपना देश जाके मरेंगे, अपना गांव जाके मरेंगे। पुलिस का डंडा चला, हर बॉर्डर में हमला हुआ,
लेकिन कोई रोक नहीं पाया इन प्रवासी मजदूरों को स्रोत को। हम बोलते हैं जो एक बिना आवाज करते हुए देश के मजदूर के वर्ग का एक बड़ा हिस्सा एक विद्रोह संगठित किया, एक रिवोल्ट संगठित किया, जो विद्रोह कोई संगठित नहीं किया कोई ट्रेड यूनियन, लेकिन मजदूर वर्ग के अंदर अंतरलीन जो संघर्षशील ताकत है वही उसको वो ताकत दिया, वो चलते रहा और मजबूर कर दिया सरकार को। बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन आया, बाद में सरकार के कुछ कदम उठाना पड़ा, वो कोई कारगर कदम नहीं लेकिन कम से कम बोलना पड़ा, उठाना पड़ा, ये मजबूर किया सरकार को, केंद्रीय सरकार को और बहुत सारे राज्य सरकार को इसको लिए कदम उठाने के लिए। मजदूर वर्ग एक स्वतस्फूर्त रूप से ये नीरव जो विद्रोह संगठित किया बिना आवाज करते हुए, कोई संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन ने संगठित नहीं किया, लेकिन ये मजदूर वर्ग के अंदर का जो आंदोलनी ताकत है जो जो इसको सामने लाता है और देश के संगठित मजदूर आंदोलन को इसको नजर में लेते हुए इसको संगठित करने के लिए भी कदम उठाना जरूरी है और उसी दिशा में हम लोग कदम उठा रहा है। तो ये एक चेहरा देता, लेकिन क्या ये जरूरी था? क्यों ऐसा हुआ? हमारे देश में एक कानून है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 में ये कानून पारित हुआ। ये कानून में व्यवस्था है जो राज्य से मजदूर बाहर जाएगा उधर के राज्य सरकार को भी इसको लिखा जोखा करना है, रजिस्टर करना है। जो राज्य में वो जाएगा काम करने के लिए उधर का राज्य सरकार को भी इसको रजिस्टर करवाना है, उसका श्रम दफ्तर की जिम्मेदारी है। ये सारे कानून में लिखा हुआ है। जो संस्था में वो काम करने जाएंगे वो संस्था का मालिक को रेगुलर रिटर्न भेजना होगा श्रम दफ्तर में, वही राज्य का जो हमारे इधर इतना परियाई मजदूर प्रवासी मजदूर काम करते हैं, ये सारे व्यवस्था था। लेकिन जब ये संकट का दौर शुरू हो गया, बहुत सारे राज्य सरकार बोला जो हमारे पास तो कोई लेखा जोखा नहीं है, ये कहां है, कौन है, किधर जा रहा है, मतलब ये कानून को कोई एनफोर्स का चलते ये भयंकर स्थिति पैदा हो गई। और आज के परिस्थिति में क्या परिस्थिति में सरकार क्या कर रहा है, वो कानून को भी वो हजम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए ये जो चार श्रम कोड, श्रम कानून का कोड वो बना रहा है, उसमें एक कोड के जरिए जिसका कोड का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल, इसका जरिए ये कानून को, ये जो प्रवासी मजदूरों का जो कानून 1979 का, इसको वो बातिल कर रहा है, रिपील कर रहा है। वो कानून से जो धारा बोल रहा है, वो सरकार बोल रहा है जो हम वो कोर्ट बिल के अंदर ये कानून डाल दिया इसीलिए इसको हम कैंसिल कर रहा है, लेकिन डाला नहीं। जो बुनियादी बात पर है प्रवासी मजदूरों को बचाने के लिए उसका जो अधिकार वही कानून के अंदर था, उसको कुछ नए कानून में रखा नहीं, लेकिन नए कानून में वो समेटा गया ये बोलते ही वो रिपील कर रहा। देश के सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन एक साथ आवाज उठाया जो एक कानून को रिपील करना नहीं चाहिए। हमारे पार्टी के तरफ से भी ये मांग उठाया गया, लिखा गया जो ये कानून रिपील करना नहीं चाहिए। रादर आज का परिस्थिति ये मांग करता है, ये लॉकडाउन का जो हमारे तजुर्बा है ये चीज यही कानून का और ज्यादा जरूरत को सामने ला रहा है। रादर ये कानून को और ज्यादा शक्तिशाली करना है और इसको एक पक्का इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इसको लागू करने का जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा शक्तिशाली कर रहा है। ये मांग आज सारे ट्रेड यूनियन मैदान से उठा, आंदोलन से उठाया गया, ये एक जैसा एक पहलू है। दूसरे तरफ सरकार के क्या भयंकर मजदूर विरोधी जो नजरिया है पूंजीवाद के पक्ष में, कोई शर्म नहीं है, नंगा उतार दिया सड़क पे, कोई कैमोफ्लेज नहीं है, वो बोल रहा है जो नहीं ये कानून को हम नहीं रखेंगे।
और उसी दिशा में वो चल रहा है। आज का संघर्ष इसको रक्षा करने के लिए भी है, और खास करके बिहार जैसा राज्य में जो हमारे देश का जो बढ़ियाई श्रमिक है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है काम के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा बिहार से जाने वाला है, ईस्टर्न इंडिया से सबसे बड़ा हिस्सा जाता है, बिहार से, बंगाल से, ओडिशा से, उत्तर प्रदेश से, एक बड़ा हिस्सा परियाई श्रमिक के रूप में हरियाणा आता है, गुड़गांव आता है, और उधर केरल जाता है, तमिलनाडु जाता है, कर्नाटक में जाता है। इसके अधिकार के जो विषय है, ये एक भयंकर चुनौती लेके मजदूर आंदोलन के सामने आ गया, इसको हमको मुकाबला करना है। और साथ साथ इसी बक्का बारे में सरकार जो कदम उठा रहा है उसको देखते हुए ये समझदारी भी आम मजदूरों का अंदर पैदा करना है, जो ये सिर्फ एक सरकार नहीं है जो तुम्हारे अधिकार के ऊपर हमला कर रहा है, ये तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन बन गया है, ये तुम्हारा जिंदगी का दुश्मन बन गया है, पूरा समाज के दुश्मन बन गया है, पूरे देश में जो संपदा उत्पादन कर रहा है और देश को, आर्थिक व्यवस्था को जो जिंदा रखता है अपने मेहनत के चलते, उसका जानी दुश्मन बन गया है। इसको खिलाफ, वही दुश्मन के खिलाफ जैसे संघर्ष करता है, वही ताकत और समझदारी लेके उसका नीति के खिलाफ और नीति का पीछे जो राजनीति है उसका भी नंगा करते हुए, आम जनता को संघर्ष में शामिल करते हुए ये परिस्थिति को हमको बदलना है, ये चुनौती लेके मजदूर वर्ग को आज का दिन में संघर्ष में उतारना है, यही एक इंपॉर्टेंट पहलू है आज के दिन। और इसको साथ साथ जो सामूहिक हमला चल रहा है मजदूर आंदोलन के और आम जनता के आंदोलन के ऊपर, अगर इसको हमको एक एक करके अलग देखा जाए, एक है जो सामूहिक रूप में जब ये परिस्थिति लॉकडाउन का शुरू हुआ, मजदूर आंदोलन यही परिस्थिति को देखते हुए अपने मांग को चिन्हित किया, क्या है जो ये परिस्थिति में पहले तो इंसान को जिंदा रखने के लिए उसको फूड सपोर्ट चाहिए, इनकम सपोर्ट चाहिए, कम से कम इन लॉकडाउन के जरिए 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गया है, 40 करोड़ से पर्यायी मजदूरों के हिसाब से अगर लिया जाए और सामूहिक रूप में दिखा जाए, एक समय हमारे देश में जो 40 करोड़ जैसा सामूहिक रूप से मेहनत कश आवाम थे, लॉकडाउन का प्रक्रिया में वो घाट के 270 करोड़ में उतर गए, जो 40 करोड़ थे वो 28 करोड़ में उतर गया, सीधा सीधा इसी में भी 12 करोड़। और उधर सीएमआई बोल रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये लोग अपने अध्ययन से बोल रहा है जो कम से कम 14 करोड़ के ऊपर जो रोजगार खत्म हो गया रातों रात लॉकडाउन के चलते, ये रोजगार वापस नहीं आया। अब जब जून महीना से लॉकडाउन शुरू, अनलॉकिंग शुरू हुआ, सीएमआई का रिपोर्ट में कुछ दर्शाया जा रहा है जो कुछ लोग को काम वापस मिला, लेकिन ये जो संख्या वो बता रहा है जो मजदूरी करने वाले काम वापस नहीं आया जाएगा, ज्यादातर जो काम वापस आया जो रेहड़ी पटरी भेंडर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी गरीब मजदूर वर्ग का एक हिस्सा है हमारे देश में, उसका लॉकडाउन के चलते धंधा बंद था, अभी उस खुल गया, लेकिन बिकता नहीं है सामान, खरीदेगा कौन, वो लोग भी भूखमरी का कगार में है। और साथ साथ इसको जोड़ा हुआ जो छोटे छोटे उद्योग छोटा छोटा उद्योग, स्मॉल स्केल एंड मिनिमम, जो हम जिसको एमएसएमई बोलता है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल, इसको भी भयंकर स्थिति पैदा हो गया, वो भी उत्पादन प्रक्रिया में जा नहीं पा रहा है, उसको लिए कुछ लोन का बंदोबस्त किया गया, लेकिन लोन लेगा कैसे, उसका जो खरीदार बेस है, कस्टमर बेस है,
वो कस्टमर जो है, उपभोक्ताओं जो है, उसका पास भी तो पैसा नहीं है। 40 करोड़ से 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गया है। मुश्किल से अनलॉकिंग के चलते कुछ 6-7 करोड़ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो वापस आया। और जहां जहां अभी फैक्ट्री खुल रहा है 30-30%, 20% मजदूरों के से तो धंधा खुल रहा है, फैक्ट्री चालू हो रहा है। और जो लोग काम में है उसका ऊपर दबाव हो आ रहा है, जो ये मजदूरी हम तुमको दे नहीं सकता है, तुमको मजदूरी हम कटौती करेंगे, वेज में कटौती होगा, ये तुमको मान लेना होगा अगर काम में हो तो। ये है आज देश के जो वर्क प्लेस उसका सिनेरियो है। सीधा सीधा हमला लोगों को जिंदा रहने का जो अधिकार उसका ऊपर है, इससे मजदूरी का ऊपर हमला नहीं है, इससे अपने अपना अधिकार के ऊपर हमला नहीं है। एक इंसान को जिंदा रहने लायक जो न्यूनतम जरूरत है उसका ऊपर हमला है। और यही कॉन्टेक्स्ट में देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने यह मांग किया, जो लॉकडाउन से स्वाभाविकता आने तक हम लोग 6 महीना बोला, जो 7,500 रुपया करके, 7,500 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं है, कम से कम बने रहेगा जिंदगी हर परिवार को, जो इनकम टैक्स नहीं देता है उसको 6 महीना तक दिया जाएगा। ये मांग कोई आसमान से टुकड़ा हुआ मांग नहीं है, कम से कम 10 केजी रेशन वही परिवारों को दिया जाए अगला 6 महीना के लिए, राशन के जो चालू है उसके ऊपर अतिरिक्त, कम से कम पेट में कुछ देके जिंदा रह के तो अपना धंधा करने का कोशिश करें। हम नहीं बोल सकता है सरकार सबको रोजगार दे दो, लेकिन 6 महीना जिंदा रहने के लिए ये मसाला तो उसको दो, साधन तो उसको दिया जाए। लोकतांत्रिक उपाय में चुने हुए सरकार है, इसका जिम्मेदारी है लोगों को जिंदा रहने का अधिकार को बरकरार रखना। यह बुनियादी बात आ गई आज का समाज, आज का परिस्थिति, और मजदूर वर्ग को सचेतन रूप से ये मांग उठाना है, ये मांग के लिए संघर्ष करना है, मजबूर करना है। और साथ साथ सरकार जो खेल खेल रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए, उसका भी पर्दाफाश करना है, नहीं तो संघर्ष तेज नहीं पकड़ेगा। हमारे संघर्ष देश के शासक वर्ग को गर्दन पकड़ते हुए उसको मजबूर करना, यही ऊंचाई में ले जाना है, यही ताकत पैदा करना है। अगर ये करना है तो सामूहिक रूप से समझना है, क्या है गुमराह करने वाला प्रक्रिया। सरकार ने इस बीच में ऐलान किया 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया सरकार, जो हमारे देश के जीडीपी का 10% के ऊपर है, और उसको बाद बोला इतना बड़ा पैकेज कोई नहीं दिया। झूठ बोलने के लिए जो माहिर है वो सामने आता है, 20 लाख करोड़ का पैकेज में क्या है ये लिखित रूप से हम दिया है, और सीआईटू का तरफ से, पार्टी का तरफ से भी दिया गया एक्सप्लेन करके। ज्यादातर लोन है, और वो लोन भी लेने वाला कोई नहीं आ रहा है, चाहे कोई लोन लेके लागत करेगा अगर उसको खरीदार मिलने का गारंटी रहेगा तो। और हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था ये संकट में फंस गया है, और यही है पूंजीवाद के संकट के जड़। एक ही साथ जनता को ये पूंजीवाद के संकट के दौर में ये असली चेहरा समझना है, तभी ये संकट से निकाल सकता है। जब खरीदार घट जाने से, खरीदने का कैपेसिटी घट जाने से बाजार जो छोटा हो रहा है इसको समाधान नहीं किया जाएगा, तब हम इसमें हमला यही संकट का दौर से निकाल नहीं सकता है। और इसी दिशा में हम ये मांग रखा था 7,500 रुपया 6 महीना के लिए, 10 केजी रेशन 6 महीना के लिए, ये मांग जो सूत्रित कर गया किया गया इसी दिशा में, जो कम से कम लोगों को जिंदा रहना और खरीदने का ताकत उसको दिया जाए। यही के चलते ही हमारे देश का अर्थनीति में जा ना सकता है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते हुए
ये अर्थनीति में जान नहीं लाया जा सकता है, किसी हालत से नहीं जा सकता है, ये बात ही मजदूर आंदोलन को ले जाना होगा जनता के समझदारी। ये एक बात है हमारे मांग की, जो साथ साथ हमको अधिकार को खत्म करने के लिए, जो लड़ेगा उसका लड़ने का अधिकार को खत्म करने के लिए, उसको ऊपर जो बंधुआ पैदा कर रहे हो सारे संस्थान खत्म करके, ये आवाज अभी मजदूर आंदोलन से उठा, जो इसको डिफाई करो, अस्वीकार करो, अवज्ञा करो, और इसको अवज्ञा करते हुए, डिफाई करते हुए अब संघर्ष में उतार जाओ। अगर स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है कानूनी तौर से, हम स्ट्राइक करते हुए उसको अस्वीकार करेंगे, अवज्ञा करेंगे। कॉमरेड, मई महीना में उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस जारी हो गया सारे श्रम कानून को सस्पेंड करते हुए, और जुलाई महीना में कोयला का मजदूर 3 दिन का हड़ताल किया। उत्तर प्रदेश का खदान में भी 100% हड़ताल हुआ, मध्य प्रदेश का खदान में भी एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो मध्य प्रदेश में आता है उधर में भी 100% हड़ताल हुआ, कोई टोक नहीं पाया, ना कंपनी टोक पाया, ना ठेकेदार टोक पाया। यह हड़ताल हुआ सिर्फ स्थायी मजदूर नहीं, ठेका मजदूर मिलकर हड़ताल किया, 530,000 मजदूर का हड़ताल किया कोयला खदानों में, जो आंध्र प्रदेश से शुरुआत होता है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंत में खत्म होता है कोयला खदान। इसी जो विस्तृत जनपद है हर राज्य को कवर करते हुए अस्वीकार किया मजदूर वर्ग, और अस्वीकार करके अपने हड़ताल करने का अधिकार को जिंदा रखा। दोबारा कोयला का मजदूर हड़ताल में जा रहा है 18 अगस्त को, यही रास्ता है हमारे सामने। कोरोना है, पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, तरह तरह का अड़चने है, लेकिन हमारे जिंदा रहने का अधिकार को बनाए रखना है। अड़चने है, इसको मुकाबला करते हुए हमको अवज्ञा, अस्वीकार और प्रतिरोध के संघर्ष का ऊंचाई में धीरे धीरे हमारे संघर्ष को ले जाना है। सारे खतरा को संभालते हुए, मास्क पहनते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। संक्रमित होना का तो आंदोलन कब करेंगे, तो ये बात सारे है, लेकिन साथ साथ इसको खिलाफ हमको ज्यादा से ज्यादा आक्रामक रूप से हमारे संघर्ष को ले जाना है। इसी दिशा में मजदूर आंदोलन चल रहा है, निर्णय लिया है, ना केवल सीआईटी, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन बीएमएस छोड़ दिया, निर्णय लिया है जो हमारे अगला चरण के संघर्ष होगा, डिफायंस और नॉन कोऑपरेशन, अस्वीकार करना और असहयोग करना, इसी दिशा में हमारे संघर्ष को और ऊंचाई में ले जाना है। जहां जहां हड़ताल होना संभव है हड़ताल करो, और ये पिछले 1.5 महीना के समय में अगर देखा जाए बहुत सारी जगह में हड़ताल हुआ, उद्योगों में हड़ताल हुआ, और मजदूर अपने अधिकार को बनाए रखा हड़ताल करते हुए, जहां हड़ताल कर पाया स्ट्राइक किया, लड़ाई किया, अस्वीकार और प्रतिरोध को रास्ते पर मजदूर आंदोलन कदम रख चुका है, इसको आगे ले जाना है, यही हमारे सामने चुनौतियां है। स्तर स्तर में धीरे धीरे संगठित रूप से, और इसका लिए जरूरी है वो समझदारी ले जाना। हमारे सामने दो रास्ता है, एक ऑप्शन है, मान लो भाई जो चल रहा है, और है बंधुआपन को स्वीकार कर लो, और नहीं तो इसको प्रतिरोध करो अस्वीकार करते हुए। और देश के मजदूर आंदोलन ने दूसरे रास्ता चुन चुका है,
कोयला का मजदूर पहल कदम कमी करके रास्ता दिखा दिया है और इतना ऐसा वातावरण बना जो बीएमएस को भी ये हड़ताल में शामिल होना पड़ा। ऐसा प्रस्तुति वातावरण बना, अभी रक्षा उत्पादन में हड़ताल के तैयारी चल रहा है, वो लोग स्ट्राइक बैलेट नहीं आ, 99% मजदूर स्ट्राइक के पक्ष में बात बोला, पूरा रक्षा उत्पादन में जो व्यापक निजीकरण के ओर जा रहा है, हमारे देश के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पहले कॉर्पोरेटाइज करके कंपनी बना, उसको बाद प्राइवेट का हक में सपो, जो रास्ते पर वो चल रहा है, वो ऐलान कर चुका है सरकार अपने नीतियों को, कोई छिपा हुआ बात नहीं है। उसके खिलाफ पहला एक दफे वो 5 दिन का हड़ताल किया, सरकार को पीछे हटाया, फिर दोबारा सरकार कॉर्पोरेटाइजेशन के जब कदम उठा रहा है, फिर दोबारा वो स्ट्राइक बैलेट किया, अब ये निर्णय ले रहा है तीनों फेडरेशन मिलके रक्षा उत्पादन में दूसरे दफे अशिकार अवज्ञा का रास्ता में जा रहा है। देश के मजदूर आंदोलन को ये संभावनाओं को देखते हुए अपने अपने जगह में भी ये संभावना बनाना है, तभी हम संघर्ष को वो प्रतिरोध के दिशा में ले जा पाएंगे। और यही जो बात है सामूहिक रूप में अर्थनीति में, आर्थिक नीति का प्रक्रिया में, इसी को उजागर करते हुए जन आम मजदूर जनता के अंदर ये समझदारी ले आना है। साथ साथ और एक पहलू है जो व्यापक रूप से निजीकरण के ओर जाओ सारे क्षेत्र। पहले पहले जब ये निजीकरण का थ्योरी आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय से, तब एक बात बताया जाता था, हिम्मत नहीं था उस समय, राजनीतिक परिस्थिति भी दूसरा था, तब वो निजीकरण का बात हुआ, लेकिन निजीकरण के बात हुआ ये बोलते हुए जो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी को और ज्यादा एफिशिएंट करेगा और ज्यादा कुशल करेगा, वो भी बकवास है। आज देश में जितने फैक्ट्रियां बंद है उद्योग, उसका 90% प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। और जहां पब्लिक सेक्टर कंपनी समस्याओं में है, संकट में है, अगर वो दिखा जाए सरकार के नीति के चलते, वो अपने बच्चे को गला घोट के मरना चाहते हैं प्राइवेट पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसी दिशा में वो संकट में वो खुद गिरा रहा है उसको। ये दो तरीका का टाइप है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अभी तक जिंदा है, वो लड़ रहा है। सरकार ने निर्णय लिया अभी और इधर उधर नहीं, सीधा बेचो। कोयला पहला चुनौती दिया, लेकिन दूसरे सेक्टर में भी वो चल रहा है। बैंकों में कल पेपर में आया जो सिर्फ 5 बैंक रहेगा, बाकी प्राइवेट हो जाएगा। कुछ बैंक को मार्च किया और मार्च करते हुए जो बैंक को 2 बैंक को 4 बैंक को एक साथ मार्च किया, अभी उसको निजीकरण करेगा तो सिर्फ 1 बैंक का निजीकरण नहीं होगा, 4 बैंक का निजीकरण हो जाएगा। यही रास्ते में चल रहा है। ये मार्जार का पीछे भी जो बैंक के आम कर्मचारी आंदोलन जिसको विरोध कर रहा है, ये मार्जार का पीछे भी ये निजीकरण का चक्कर है। कहां टुकड़ा करके बेच रहा है, जैसा रक्षा उत्पादन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट बना रहा है, उसको बाद टुकड़ा टुकड़ा कंपनी को एक एक करके बेचेंगे, और कहां एक साथ करके बेच रहा है जहां जो सीट करता है, एट एनी कॉस्ट देश को संपदा बेच रहा है। यही है राय, किसका फायदा में, विदेशी पूंजियों को फायदा में, और उसको चमचा का रूप में देशी पूंजीपति का फायदा। देशी पूंजीपति कैनॉट डिक्टेट द टर्म एज जूनियर पार्टनर। ये इतना राष्ट्रवाद का बात बोलते हैं मोदी सरकार, अपना आत्माभिमान का बात बोलते हैं, आत्मनिर्भरता का बात बोलते हैं, लेकिन उसका एक एक आर्थिक मुद्दा अगर जिसको एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए, अगर देखा जाएगा जो कैपेसिटी पिछले 70 साल में हम उत्पादनी ताकत हम हासिल किया था, अभी वही जगह में खत्म हो रहा है और ज्यादातर वो आयात निर्भर हो जाता है।
पहले कोई बड़ा रक्षा सौदा विदेशी कंपनी में हमको खरीदना था, एक ही साथ हमारे शर्त रहता था जो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, किस ढंग से बनाया जाता है। आज पहला चरण में हम फर्स्ट लॉट किया, सेकेंड लॉट हम अपने कंपनियों में देश में बनाते थे, अपने उत्पादनी ताकत बढ़ाते थे। अभी जो लेटेस्ट डिफेंस डील हुआ, जो ऐसा राफाइल एयरक्राफ्ट का, अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, राफाइल से विमान खरीदा, दोबारा विमान चाहिए तो दोबारा राफाइल विमान ही और डसल कंपनी से खरीदना होगा, कोई रिपेयर करना है, कोई मेंटेनेंस करना है तो उसको वही फ्रेंच कंपनी का पास जाना होगा। ऐसा ही वो यूएसए का लॉकहीड का साथ डील चल रहा है, सिमिलर डील हमारे देश का रक्षा सौदा उत्पादन करना, हवाई जहाज उत्पादन करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अल्टीमेटली बंद के कगार पर ढकला जाए, यही साजिश पर चल रहा है। कहां टुकड़ा करके बेचो, कहां जोड़ के बेचो, ये दूसरा है निजीकरण का दौर। आज एक भयंकर स्थिति में चला गया, जब अब रेलवे सेक्टर और साथ साथ बिजली का सेक्टर को जो नए कदम उठाया सरकार प्राइवेटाइज करने के लिए, ये भयंकर स्थिति में ले गया। रेलवे का मतलब है जो सबसे सस्ता जन परिवहन है, लोगों ने अपने रोजगार धंधा में पहुंचने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ये रेलवे सेक्टर को टुकड़ा करके बेच रहा है। किसी को 110 ट्रेन दिया है, 400 रेलवे स्टेशन किसी को रेलवे स्टेशन दे रहा है, किसी को रेलवे स्टेशन दे रहा है। रेलवे का जो उत्पादनी जो फैक्ट्रीज है, जो कोच बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, उसको उठा के बेच रहा है। पहले कंपनी कन्वर्ट करेगा, उसको बाद बेचेंगे। रेलवे जो ट्रैक है, जो लाइन सरकार ने देश का जनता का पैसा से बैठाया गया है, वही ट्रैक के ऊपर प्राइवेट ने ट्रेन चलाएंगे, एक नया कंपनी बनाया गया है ट्रैक मैनेजमेंट के लिए रेलवे का अंदर। बाद में वो रेलवे बोर्ड का नियंत्रण में नहीं रहेगा, अलग कंपनी हो जाएगा और बाद में इसको बेचा जाएगा प्राइवेट कार में, पीपीपी का नाम। ऐसा एक वातावरण बना रहा है जिसमें अलग अलग पावर सेंटर रेलवे इंटीग्रेटेड रेल नेटवर्क को चलाएंगे। ये कभी चल सकता है, पॉसिबल है हिंदुस्तान जैसा देश में, जो फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है दुनिया में, चला सकता है? जब देश में ब्रिटिश ने रेलवे स्थापित किया, एक ही साथ वो रेलवे उत्पादन व्यवस्था भी स्थापित किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, चाहे फिर वर्ल्ड वॉर लग जाएगा, हम रेल चालू रखना है तो हमको रेलवे सौदा उत्पादन करने वाली व्यवस्था भी होना चाहिए। बाद में ये व्यवस्था आजादी के बाद और प्रसारित हुआ। हमारे देश का तत्कालीन जो औद्योगिक नीति था, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर स्वयंभरता और साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब आयात के ऊपर जो निर्भरता उसको खत्म करने, ये दिशा में ये व्यापक प्रसारित हुआ और एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर था। नहीं तो हिंदुस्तान जैसा देश में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क को जिंदा रखा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट में जा रहा है निजीकरण के ओर, अलग अलग टुकड़ा करेंगे, कोई किसी का नियंत्रण में नहीं रहेंगे और प्राइवेट का हाथ में रेलवे ऑपरेशन एक एक करके स्टेज बाय स्टेज, और कहां दे रहा है सबसे रेमुनरेटिव रूट जिसमें ज्यादा पैसेंजर है, जिसमें लाभदायक रूट सारे प्राइवेट का हाथ में चला जाएगा। और इसी परिस्थिति में ये रेलवे व्यवस्था को लिया आ रहा है। रेलवे निजीकरण ऐसा एक व्यवस्था है जो आम जनता को, गरीब से गरीब जनता तक जो चल नहीं चल सकता, उसको रोजगार में जाना बंद हो जाएगा और रेलवे सब्सिडी भी खत्म किया जाएगा। सब्सिडी खत्म होने का मतलब है फेयर में रेलवे जो किराया है, सब्सिडी खत्म होने का मतलब है रेलवे खत्म हो जाएगा, ये माने रेलवे किराया दुगुना से भी बढ़ जाएगा। आज का डेट में 47% सब्सिडी है रेलवे किराया,
और फ्रेट में भी जो सामान ले जाता है, ये सामान का परिवहन में भी ये एक सब्सिडी है एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में। अभी एसेंशियल कमोडिटीज कानूनी खत्म कर दिया ऑर्डिनेंस करते हुए, आम जनता के ऊपर महंगाई का दौर एक ही साथ और रोजगार जाने का जो प्रबंध है जो परिवहन वो चला जाएगा सरकार बेसरकारी हाथ में निजी हाथों में और ये आम जनता को पीड़ित करेगा। दूसरा एक सेक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल लाया, पहले तो बिजली व्यवस्था को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग कर दिया, जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और जो मेंटेनेंस अलग अलग कर दिया, अलग अलग कंपनी बनाया। बहुत सारे राज्य में हम रोक नहीं पाए, किन कुछ राज्यों में अभी तक हम रोक के रखा है, अलग होने नहीं दिया, और वही हमारे बिजली का आंदोलन का आधार है। बिजली निजीकरण हो के ओर जो जा रहा है, बिजली के दर जब पहला बिजली का शुरुआत किया था 2003 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, तब बताया गया था जो आम जनता को पास सस्ते में बिजली भेजने के लिए देने के लिए ये निर्णय कर रहा है। उस समय से आज रेलवे का बिजली का दर कई गुना बढ़ चुका है, वो घटने का सवाल ही नहीं है। और अभी जो नया कानून आ रहा है ये आम जनता को पीड़ित करेगा, एक बड़े हिस्से को बिजली का खंभा गांव में लगा हुआ रहेगा लेकिन आप बिजली खरीद नहीं पाओगे। शिक्षा के जरिए अभी ऑनलाइन जा रहा है लॉकडाउन में, बिजली नहीं रहेगा तो ऑनलाइन एजुकेशन कहां से बनेगा। तरह तरह का डिजिटल पेमेंट का बंदोबस्त कर रहा है, बैंक के जरिए पेमेंट होगा, आपका अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा सब्सिडी, और आप अपने एटीएम के जरिए कर सकता है, कितने दूर एटीएम पहुंचेंगे गांव तक। और बिजली में निजीकरण हो जाएगा, जो एक प्रधान साधन है देश के आर्थिक औद्योगिक ढांचा को, ये अगर निजीकरण हो जाएगा ये पूरा अर्थनीति को पीड़ित करेगा, और ज्यादा संकट में है, और ज्यादा संकट के अंदर डालेगा। ये दोनों मिला के आम जनता का संघर्ष होना जरूरी है, सिर्फ रेलवे मजदूर और बिजली का मजदूर नहीं, इसको जन आंदोलन बनाना है। मजदूर किसान के एकता, ये लड़ाई को सामने सामने लाना है और आक्रामक रूप में, अरे ये लेके भी आने वाला दिन में हमको तीखा आक्रामक संघर्ष में जाना होगा, ये भी हमारे पास एक बड़ा चुनौती है। और तीसरा जो पहलू है आर्थिक नीति में, जो खेती में जो बदलाव ला रहा है, तीन ऑर्डिनेंस जारी किया, ये तीन ऑर्डिनेंस के चलते, एक ऑर्डिनेंस तो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसका ऊपर मौजूद के ऊपर नियंत्रण था, काला बाजार के ऊपर हस्तक्षेप करने का अधिकार था सरकार को, बहुत राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को, और तरह तरह का जो पाबंदी था वो खत्म करते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए, वो बोलता है वो अमेंड किया, लेकिन अमेंडमेंट का मतलब उसका जो दांत है, काटने का जो हथियार है उसको खत्म कर दिया, और साथ साथ बाकी जो चेंज किया, एपीएमसी खत्म कर रहा है, जो कृषि उपज मंडी जो है जिसमें सरकारी दर से कोई शोषित ना हो, इसको देखने का काम है उसका, ये सारे सिस्टम वो बदल रहा है। और ये बदलने का सार बस्ता ये रहेगा, इंटर किसान आंदोलन जो मांग लेके इतना दिन लड़ रहा है, जो हमको स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर दिगुना फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होगा, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस तभी लागू हो सकता है जब सरकार खुद प्रोक्योर करेंगे, बड़े जमींदार और बड़े अनाज का व्यापारी प्रोक्योर करेगा तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा, सरकारी व्यवस्था में इसको प्रोक्योरमेंट को जिंदा रखना होगा। ये अगर करना है तो ये सारे बदलाव कर दिया,
और ये बदलाव का मतलब है अल्टीमेटली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहानी भी नहीं रहेगा, ये प्रोक्योरमेंट का कहानी भी नहीं रहेगा, छोटा किसान जो खेती कर रहा है ये खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू जब हो जाएगा तब छोटा किसान टिक नहीं पाएंगे, और ये ना टिकने का जो संकट है उसको खुद जमीन छोड़ के बड़े बड़े जमींदारों और जो कॉरपोरेट जमींदार अभी तो कॉरपोरेट जमींदार बनने वाला है इसी को हाथ में छोड़ के उसको चला जाना पड़ेगा। सामूहिक रूप में किसान एग्रीकल्चर जिसको हम पेटी प्रोडक्शन बोलते हैं खत्म कर देगा। और हमारे विचार कृषि में जो बदलाव ला रहा है ये उद्योग से जो वो नीति ला रहा है उससे भी भयंकर है। कहे ये सामूहिक रूप में टोटल आर्थिक प्रशासन में जो लोकतांत्रिक अधिकार थे लोगों को व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक अधिकार के आधार का सरकार की जिम्मेदारी, इतना दिन जिम्मेदारी था, ये जिम्मेदारी के चलते उसको बिजली सस्ता में देना पड़ा, अभी बिजली का निजीकरण हो रहा है, सरकार अपने हाथ उठा रहा है, ये जो सरकार के कुछ जिम्मेदारी था जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक मुख्य उपादान था ये कानूनी ढंग से इसको खत्म किया जा रहा है, और जिसका सामूहिक रूप से परिणति यही होने वाला है, जो सामूहिक जो प्रशासन है हम जो बोल रहा है, जो देश के राजनीतिक प्रशासन, अर्थनीतिक प्रशासन और सामाजिक प्रशासन, समाज के अंदर जो जहर घोल रहा है सांप्रदायिकता का नाम पर, जातिवाद के नाम पर, जितने भयंकर वर्गीय दलितों का ऊपर हमला, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में दलितों का फसल काट के ले चला गया, उसको आत्महत्या करना पड़ा, इतना भयंकर घटना जगह जगह में घट रहा है। ये सामाजिक प्रशासन के भी ऊपर भी एक सैराचारीकरण हो रहा है। ये जो सामूहिक सैराचारीकरण जो राजनीतिक सैराचारीकरण का दिशा में, और आर्थिक नीति का जो बदल है औद्योगिक अर्थनीति और कृषि अर्थनीति, अर्थात समाज में पैदा कर संपदा पैदा करने वाला जो ताकत है, मजदूर और किसान के जिंदगी पर हमला, आर्थिक और औद्योगिक अर्थनीति में जो कृषि और औद्योगिक अर्थनीति में जो संस्कार के नाम में वो कर रहा है, ये अल्टीमेट इसका टारगेट है जो राजनीतिक रूप से जो अनिवार्य है उसको लिए, जो पूंजीपति व्यवस्था जब संकट में जा रहा है तब वो लोकतंत्र को हजम नहीं कर पाता, लोकतंत्र उसको रस्ते का एक बंधन बन जाता है, तब उसको पैर तले दबा के उस सैराचारी करण में पूरा प्रशासन को ले जाना चाहते हैं, जो राजनीतिक रूप से बीजेपी सरकार मोदी सरकार के जो एटीट्यूड है, जो बड़े बड़े हस्तियां उसका जो अप्रोच है, ये सारे मुद्दे का ऊपर, आम जनता के अधिकार के मुद्दे का ऊपर उसका जो एटीट्यूड है, अगर एक साथ मिला के जाए, अगर पेपर में अब बताएंगे जो इंडस्ट्रियल चेंबर ऑफ कॉमर्स कभी कभी अपना बयान जारी कर रहा है वही मुद्दे का, और सरकार के बयान एक साथ जोड़ के देखिए, एक ही साथ एक आक्रामक शैराचारीकरण अर्थनीति राजनीति और समाज के उसी ओर धकेल रहा है व्यवस्था को, इसको खिलाफ हमारे चुनौती है, मुकाबला करना है। और यही दिशा में देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन और CITU भी पहलकदमी कर रहा है, ये समझदारी को आम जनता के पास ले जाना। और इसी दिशा में लॉकडाउन का समय से अगर देखा जाए, एक नई चुनौती एक्सपीरियंस है हमारे, आपको भी होगा, पहले तो लॉकडाउन देखा नहीं, हम लोग भी देखा नहीं, सब कुछ बंद है और हमला ऊपर चल रहा है। अभी अनलॉकिंग जब शुरू हुआ, अनलॉक हो गया, 50 मजदूरों से 20 मजदूरों को लेकर कारखाना खोलता है और बाकी ठीका मजदूर रख रहा है, ये दरवाजा खोल गया, लेकिन आपको इसको खिलाफ आवाज उठाना, संघर्ष करना, उसका ऊपर पाबंदी है,
144 जारी है, साथ साथ 188 जारी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर, आपको नाम में केस होगा, हो रहा है जगह जगह, लेकिन इसको अस्वीकार करते हुए 21 अप्रैल शुरुआत किया सीआईटी ने कि आपने घर का सड़क पे सामने खड़ा होके बोलो जो ये हम मानेंगे नहीं। और बाद में हम लोग कॉल दिया था यू स्टेप आउट, बाहर आओ सड़क पे दिखाई दे, और धीरे धीरे ये ऊंचाई में जा रहा है। और एक बात हम बोल सकता है जो एक ही साथ ये सीआईटीयू का जो शुरुआत किया था, अभी ये आम ट्रेड यूनियन का यही रास्ते में चलने लगा, संयुक्त रूप से निर्णय लेके 22 मई को सारे ट्रेड यूनियन मिलके ये प्रदर्शन किया, बहुत सारे गिरफ्तारी हुआ, बिहार में भी शानदार तरीका से कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 3 जुलाई को बीच में सीआईटीयू का बहुत सारे कार्यक्रम था, उसको बाद 3 जुलाई को सारे देशों में आम ट्रेड यूनियन प्रदर्शन किया, दिल्ली में श्रम शक्ति भवन के सामने, लेबर मिनिस्ट्री के सामने सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन कार्य ट्रेड यूनियन का नेता लोग इधर प्रदर्शन किया। और हम पुलिस को बोला जब आया था जो हमने अभी तक मान के चल रहा है, नहीं तो सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन प्रदर्शन कर रहा है, ये 10,000 मजदूर आ सकता था आसपास से, हम लाया नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो आज नहीं लाया तो आने वाला दिन में नहीं लाएंगे, तो आप छेड़छाड़ मत कीजिए हमारे ऊपर। ये प्रदर्शन अभी शुरू हो गया सारा देश में, 16-17 तारीख सिर्फ सीआईटीयू का कॉल में रेलवे निजीकरण के खिलाफ देश का कम से कम 700 रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन हुआ। सारे पाबंदी को देखते हुए भी कश्मीर में, मेनलैंड कश्मीर जहां लॉकडाउन, तो वो जब थे वो 3 राज्यों को राष्ट्रपति शासन जारी हुआ तब से उसका लॉकडाउन शुरू हो गया था, उसको अस्वीकार करते हुए बारामूला जिला में बर्फ फैला हुआ स्टेशन में मजदूरों ने प्रदर्शन किया झंडा दिखा के जो रेलवे निजीकरण हम करने नहीं, अस्वीकार और अवज्ञा का रास्ता शुरू हो गया। और इसी दिशा में हमारे कार्यक्रम है, यही समझदारी आम लोगों को साथ ले जाएगा। आज का परिस्थिति में वो आपको लॉक रखते हुए वो आपको ऊपर हमला के सारे हमला को अनलॉक कर रहा है, शोषण के ताला खोल दिया है, लेकिन शोषण के खिलाफ विरोध करने का ताला आपका ऊपर बंद रखा है कोरोना का दुहाई देते हुए। हाँ कोरोना है, हमको सावधानी में रहना पड़ेगा, मास्क लेना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, दूरियां रखना पड़ेगा, लेकिन दूरियां रखते हुए ज्यादा जाएगा लेके, पहले अगर 7-7 था 1,000 मजदूर जितना जगह लेता था, अभी 1,000 मजदूर अगर डिस्टेंस में लेगा ज्यादा जगह कवर करेगा। ये प्रदर्शन और अवज्ञा का अस्वीकार के हिम्मत को लेके हमको आगे बढ़ना है, और इसी दिशा में हमने कार्यक्रम तय किया, देश के मजदूर आंदोलन किया। एक है सीआईटीयू से का तरफ से 23 जुलाई को मुख्य 4 मांग लेकर, एक है 7,500 रुपया इनकम 6 महीना के लिए, 10 केजी रेशन और 100 दिन का काम, इसको 200 दिन किया जाए, इसको शहर तक लिया जाए, यह है ऑपरेशनल पॉइंट। ये अगर देश के कानून के अनुसार, अभी तक जो कानून जिंदा है, काम अगर नहीं देते हो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, यही मांग लेके घेरना पड़ेगा बीडीओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ये नैरेटिव, ये कहानी, ये चित्र हमको धीरे धीरे हमारे लड़ाई को स्टेप अप करते हुए ले जा रहा है। ये मांग लेके ये संघर्ष चलते रहेगा, उसका शुरुआती तौर पे 23 जुलाई को ब्लॉक लेवल स्तर में बीडीओ ऑफिस को टारगेट करके व्यापक मोबिलाइजेशन,
दूरिया मेंटेन करते हुए, अगर बड़ा मोबिलाइजेशन होगा, जमायत होगा और दूरिया भी मेंटेन होगा, पूरा एरिया घेर लेगा मजदूर के साथ की फौज, झंडे रहेगा हर हाथ में, एक नया भरोसा पैदा करेगा आम जनता के अंदर, इस छोड़ के दूसरा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है कौन। और उसके बाद 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस में मोदी भारत छोड़ो ये मजदूर किसान का मोर्चा से उठना, इंसानियत का दुश्मन ये मोदी सरकार है, सिर्फ हमारे कानूनी अधिकार छीन रहा है इसके लिए नहीं, इंसान को जिंदा रहने नहीं देता है, हमारा जिंदा रहने का जो एंटाइटलमेंट हमारे अधिकार उसका ऊपर तू हमला कर रहा है। 9 अगस्त को ये मांग लेके मिलिटेंट जुझारू प्रदर्शन जिला स्तर पर, जिला कार्यालय घेरते हुए, और इसको साथ जोड़ना है निजीकरण के खिलाफ मांग, और सबको लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग। कोरोना के समय लॉकडाउन का जरूरत हुआ था, ये पैंडेमिक को मुकाबला करने के लिए हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा का जो नेटवर्क को विस्तारित करना, या नहीं वो यही समय को इस्तेमाल किया, कहे स्वास्थ्य व्यवस्था तो नया उदारीकरण के प्रक्रिया से ज्यादातर निजी हाथों में चला गया, सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो गया 30 साल का निजीकरण के दौर में, रहने का जो उसका स्वास्थ्य जिंदगी बचाने का वो अपने का सवाल, व्यापार धंधे व्यापारियों को धंधा बन गया, हेल्थ हैज बिकम बिजनेस। यही परिस्थिति में दुनिया के बहुत सारे देश प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के ऊपर कब्जा किया, बोला करना होगा, मोदी सरकार को करने का हिम्मत नहीं हुआ, हमारे आंदोलन दाबी किया जो इसको कमांडियर करो, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तुम लागू कर रहे है वो एक्ट के अनुसार सरकार के अधिकार था, जो विशेष विपद इमरजेंसी सिचुएशन में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ये पाबंदी लगाना, ये रेट के ऊपर नहीं जाओ, सुना नहीं, अभी भी चला रहा है, डॉक्टर जो पीपी पहन के जाता है प्रोटेक्टिव वियर पहन के रोगी देखने के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में, उसका पैसा भी जो मरीज के बिल से काटा जाता है, इतना भयंकर नकारजनक नौटंकी चल रहा है हमारे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था, ये भी हमारे एक मांग है जो सामूहिक स्वास्थ्य व्यवस्था, ये मांग लेके 9 अगस्त को, और दोबारा हम आपको बोल रहा है कोयला का मजदूर दोबारा हड़ताल में जा रहा है 18 तारीख, संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच में बात चल रहा है, उसी समय हमको व्यापक रूप से सहयोगी भूमिका में प्रदर्शन करना है, संगठित करना है जुझारू प्रदर्शन, कोई कोई जगह में अगर हड़ताल पॉसिबल है वो भी करना है, खास करके पब्लिक सेक्टर में कोशिश करना है, हम ऐलान नहीं किया कहे हम चाहे तो हड़ताल नहीं होता है, उसका लिए तैयारी जरूरत होता है, कोयला मजदूर तैयारी में है, वो 18 तारीख जो आखिरी दिन है बिडिंग सबमिट करने का वो हड़ताल में जा रहा है, प्रदर्शन करना है 2000 प्रदर्शन, पूरा देश को पता चले निजीकरण के खिलाफ एक जंग चल रहा है, एक ही साथ डिफेंस के मजदूर रक्षा उत्पादन वाले ये लोग सितंबर का मिडिल में हड़ताल में जा सकता है, वो स्ट्राइक बैलेट ले चुका है, अपने अंदर चर्चा कर रहा है तीनों फेडरेशन, वो अगर जाएगा और वो जाएगा तो लगातार हड़ताल जाएगा, एक दो दिन दो दिन नहीं वो जाएगा, उसको साथ देश के आम ट्रेड यूनियन आंदोलन को हड़ताल के बाद को सोचना पड़ेगा, हम लोग सोचना शुरू कर दिया, तैयारी अभी से हो जाए तो शानदार हड़ताल भी हो जाएगा, लॉकडाउन और कोरोना के बाद अभी तक हम हड़ताल में नहीं गया, लेकिन हमने एक कॉल किया सारे स्टेट कमिटी जो हड़ताल के पर्सपेक्टिव में रखो, देश भर हमको आम हड़ताल में जाना पड़ेगा,
ये सरकार को चुनौती देने के लिए परिस्थिति अनुसार हमको कदम उठाना पड़ेगा कोरोना का संक्रमण देखते हुए, लेकिन तैयारी शुरू हो जाए अभी से। बारूद सूखा बनाओ पाउडर, कीप द फाइट पाउडर ड्राउ, उसका भी तैयारी हमको शुरू करना है। तो कॉमरेड हमारे अगला संघर्ष के जो पर्सपेक्टिव है इसी दिशा में हमारे सवाल सामने, हमारे बात यह है जो एक ही साथ हमारे संघर्ष आज, एक ही साथ देश को बचाने का संघर्ष और हमारे इंसानी अधिकार को जिंदा रखने का संघर्ष एक लाइन पर आ गया। दोनों संघर्ष हम एक साथ लड़ रहा है और साथ साथ हमारे लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला हो रहा है। जितने आर्थिक सुधार का कार्यक्रम दिया जा रहा है, सुधार का नाम पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, क्या कृषि में, क्या औद्योगिक अर्थनीति, क्या परिसेवा अर्थनीति, जो कदम लिया जा रहा है ये असद आदत से एक सहिराचारी प्रशासन को आगे बढ़ाना और सामूहिक राजनीतिक प्रशासन में लोकतंत्र का जो उपादान धीरे धीरे खत्म कर देना, इसी दिशा में जा रहा है। बिजली का जो अमेंडमेंट बिल है ये राज्य सरकार के सारे अधिकार को छीन लिया। कृषि में जो बदलाव लाया है, कृषि भी राज्य सरकार के सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्रीय सरकार एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये सारे अधिकार को वो खत्म कर दिया। हमारे देश के राजनीतिक प्रशासन में लोकतंत्र और संविधान के एक बड़ा आधार है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, युक्त राज्य जो स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर हमला, मतलब संविधान के ऊपर हमला, लोकतंत्र के ऊपर हमला, अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग असलियत में हमारे अधिकार के लिए संघर्ष, हमारे जिंदा रहने का एंटाइटलमेंट के लिए जो संघर्ष है, उसको साथ साथ हम प्रशासन के सहिराचारीकरण प्रक्रिया के खिलाफ भी एक ही साथ जंग में है। और हर एक्शन हमारे मजदूर किसान के संयुक्त संघर्ष, आम ट्रेड यूनियनों को संयुक्त संघर्ष, यह हर संघर्ष क्या अल्टीमेटली वही सहिराचारीकरण प्रक्रिया जो अर्थनीति में चल रहा है और हमारे अधिकार को छीन रहा है, हमारे ऊपर बंधुआपन थोप रहा है, किसान में खेती छोटा किसानों को खत्म कर रहा है, सरकार के सारे जिम्मेदारी खत्म कर रहा है, ये प्रक्रिया में लोकतंत्र का हरण कर रहा है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला, उसका ऊपर भी खिलाफ भी संघर्ष एक ही लाइन में, एक ही पैकेज में आ गया और वही लेके अपना अगला संघर्ष है 23 तारीख को। फिर बोल रहा है मजदूर किसानों को ब्लॉक लेवल पर व्यापक जमाए, 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे में मजदूर किसान के मांग लेकर जेल भरो सत्याग्रह, एक ही साथ सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी मैदान में आ गया। किसानों का वही दूसरा जो संगठन है, शुरुआत हुआ था CITU ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन का इनिशिएटिव में, लेकिन इसको अभी किसानों का जो संयुक्त मंच है वो भी समर्थन जता दिया और एक ही दिन में सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी सड़क पे उतर रहा है, एक नया जगह में जा रहा है। जो समझदारी CITU का जनवरी महीना में हुए सम्मेलन से हम लोग ऐलान किया था, जनवरी में, तब तक कोरोना नहीं आया, जो नए जो राजनीतिक स्थिति आ रहा है, उस समय हम रेखांकित किया था एक सहिराचारीकरण के ओर जा रहा है और पूंजीवाद के संकट के जरिए यही राजनीतिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो समझदारी है। और ये समझदारी के आधार पर हमारे कर्तव्य बन जाता है जो हमारे संघर्ष को संगठित रूप से डिफायंस एंड रेजिस्टेंस, अस्वीकार और प्रतिरोध के दर्जा में, ऊंचाई में ले जाना, व्यापक एकता बनाते हुए, यही समझदारी को हम अभी लॉकडाउन का विशेष स्थिति में नए एक्सपीरियंस को हथियार करके हम लागू करने का प्रक्रिया में है। लोगों ने रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारा दे रहा है व्यापक रूप से, बिहार के जमीन में आप खुद भले भांति देख रहा है जो ये कार्यक्रम को लागू करते हुए कितना
रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, लोगों ने कैसे सारा दे रहा है व्यापक रूप से मोबिलाइज करते हुए, इसको देखते हुए हमारे अगले कार्यक्रम को वही दिशा में ले जाना 23 जुलाई ब्लॉक लेवल पर, 9 अगस्त सारे देश में सत्याग्रह, जेल भरो और जुझारी कोई संघर्ष की तैयारी। और इसी प्रक्रिया में आगे भी लगातार कार्यक्रम आएंगे। 18 अगस्त को कोयला मजदूरों को हड़ताल के पक्ष में सहयोगी प्रदर्शन, और आगे भी जातीय स्तर में हड़ताल के तैयारी। और इस दौरान जो जो सेक्टर में हड़ताल के संभावना है काम में लगाइए और उससे टोटल हड़ताल संगठित कीजिए। ये भी हमारे टास्क का अगला दिन में संघर्ष के जो रणनीति का एक हिस्सा है। ऑलरेडी योजना वर्कर के आंगनबाड़ी आशा सब सारे संगठन मिलके निर्णय ले चुका है, अगला 7 और 8 अगस्त को हड़ताल करेंगे। हड़ताल करते हुए 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे में व्यापक संख्या में वो जेल भरो सत्याग्रह में शामिल होंगे। ऑलरेडी ऐसा ही सेक्टोरल इनिशिएटिव अलग अलग सेक्टरों में बहुत सारे जगह में संभावना बन रहा है। यही पीरियड के अंदर बिरला सीमेंट फैक्ट्रियों का मजदूर, उसको बाहर रखा गया, वो फैक्ट्रिया प्लांट को बंद करते हुए उसको बकाया वेज भी हासिल किया और साथ साथ अपने अधिकार को भी जिंदा रखा। जेपी में, मध्य प्रदेश में जेपी सीमेंट में अभी भी संघर्ष चल रहा है, जीतेगा जरूर। मध्य प्रदेश के 48 अनाज मंडी 14 जुलाई को हड़ताल किया, 11,500 मजदूर और हड़ताल करके धुआंधार प्रदर्शन किया। अब ये जगह का मेंशन दूसरे जगह में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, बिहार में भी काफी संघर्ष हो रहा है। हम इसी को जगह का मेंशन इसीलिए किया, ये सारे जगह में ऑर्डिनेंस जारी हो गया, सारे श्रम कानून बंद ठप हो गया, लेकिन अस्वीकार और प्रतिरोध के दौरान संघर्ष चल रहा है। और इसी दिशा में ये सारे ऑर्डिनेंस को हम कचरा का डब्बा में फेंक पाएंगे, ये भरोसा लेके मजदूर आंदोलन अपने वर्गीय ताकत को आम जनता को संगठित करने का दिशा में, आर्य राजनीतिक समीकरण बदलने का दिशा में काम में लगाए। तभी समीकरण बदल सकता है अगर जनता ये समझ जाए जो ये हमारे दुश्मन है, जो नीति अपना रहा है जो इंसानियत का दुश्मन है, मैंने खिलाफ है ये नीति, और ये नीति के पीछे राजनीति भी इंसानियत के दुश्मन है। और इसीलिए उत्पादन जब घट रहा है, मुकेश अंबानी का संपदा 40% बढ़ जाता है, देश के पूंजीपतियों का संपदा कई गुना बढ़ जा रहा है, जब अर्थनीति में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, कोई नया संपद पैदा नहीं हो रहा है, उसी समय अमीरों का संपदा कई गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है उसका संपदा? जब अर्थनीति में संपदा पैदा नहीं होता है, उसका संपदा तभी बढ़ता है जब आपका जेब से वो छीन लेता है आपको जो मिलना है वो अधिकार, उसी प्रक्रिया में संपदा बढ़ जा रहा है। ये जो लड़ाई, ये लड़ाई को हमको जीतना है, तभी राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। ये समझदारी के आधार पर जब जनता चुन लेगा जो ये नीति हमारे दुश्मन है, और ये नीति अपनाने वाले राजनीति भी हमारे दुश्मन है, तभी सहिराचारीकरण के खिलाफ हम व्यापक एकता बनाते हुए इसको प्रतिरोध में उतर सकता है। और एक ही साथ सांप्रदायिक जहर घोलने वाले राजनीति को भी हाथ तोड़ के हम मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। यही हमारे सामने जो स्थिति है, यही बोलते हुए जरूर बिहार के लोकतांत्रिक जो आम जनता, मजदूर, किसान, जिसका एक जुझारू संघर्ष के परंपरा लेके चल रहा है, जरूर इसी दिशा में देश के मजदूर आंदोलन को आगे जाने ले जाने के लिए, देश के लोकतांत्रिक आंदोलन को आगे ले जाने के लिए अब अहम भूमिका लेंगे। ये बोलते हुए आपको धन्यवाद करते हुए मेरे बात हम खत्म करता है। इनकलाब जिंदाबाद।